हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने मकर संक्रांति पर कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार सहित पूरे देश से 8 से 10 लाख श्रद्धालु गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने गोरखनाथ मंदिर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम गोरखनाथ बाबा को गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ाया तथा उसके बाद नेपाल के राजा या उनके प्रतिनिधि आकर खिचड़ी को गोरखनाथ बाबा को चढ़ाते हैं, जिसको देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम सब कार्यकर्ता गोरखनाथ मंदिर में उपस्थित हैं तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए श्रद्धालुओं को मास्क का वितरण किया गया है तथा सामाजिक दूरी बनाकर मंदिर में आने के लिए बताया जा रहा है तथा उनके हाथों को सैनिटाइज भी करवाया गया है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में एक महीने तक विशेष मेला लगता है, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने कहा, श्री गोरखपीठ का यह महान पर्व है और बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र से 8 से 10 लाख के श्रद्धालु यहाँ एक दिन में खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी हमारे पीठाधीश्वर अपने चढ़ाते हैं, इसके बाद नेपाल से खिचड़ी चढ़ती है, नेपाल के राजा आके या उनके प्रतिनिधि आके खिचड़ी चढ़ाते हैं। इस वजह हम लोग हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उनके जन सुविधाएँ उनको एक उनकी सहायता के लिए हम लोग यहाँ पे लगे हैं। कोविड के अनुपालन के लिए उनको सही तरीके से मास्क पहने, किसी के पास मास्क नहीं है तो मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है, सैनिटाइज कराया जा रहा है हाथों को, और लोगों को एक कोविड अनुपालन की सलाह दी जा रही है और इस तरह से लोगों को सुरक्षित बाबा गोरखनाथ को दर्शन कराने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके कितने लोग आते हैं यहाँ? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में नेपाल के तराई क्षेत्र से 8 से 10 लाख लोग हर एक दिन में दर्शन करने आते हैं, और वैसे तो ये लगातार महीने भर का कार्यक्रम है, लोग महीने भर कार्यक्रम एक मेला का चलता है, लेकिन खिचड़ी के दिन का विशेष महत्व रहता है।